देखिए सरकार को सब कुछ मालूम है, जिस तरह के की घटनाएं यहाँ हो रही है, सीरीज ऑफ मर्डर्स हुए हैं, और ये खासकर एक जाति विशेष पर हमला है और ये लगातार चल रहा है। सरकार चाहती है, मनोबल तोड़ना चाहती है, और ये तो जमीन और ये सब तो एक बहाना है। एक जाति विशेष पर नीतीश कुमार का सीधा सीधा हमला है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग मजबूत हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको उनका मनोबल तोड़ने के लिए, सामाजिक मनोबल तोड़ने के लिए नीतीश कुमार का ये सीधा सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई अपराध हो रहा है और सरकार के संज्ञान से बाहर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पुलिस ऑफिसर दबाव में आकर के चुप हो जाते हैं, लेकिन सरकार को ज्ञान है, संज्ञान में है, नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है क्राइम के प्रति, क्या एक झूठा बयानबाजी, कंप्लीट झूठा, जिसको हम सफेद झूठ कहते हैं। सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही हैं और ये दुखद है। आम नागरिक बिल्कुल परेशान है, भयभीत है, यहाँ से पलायन हो रहा है और सरकार तो कोई और चीज दे नहीं सकती, लेकिन जो दे सकती है वही है कि व्यक्ति की सुरक्षा का गारंटी उसे लेना चाहिए। तो सुरक्षा के, सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो साई ने खतरा जताते हुए सुरक्षा की भी मांग की थी, सुरक्षा गार्ड भी वापस ले लिया गया, तो आईबी रिपोर्ट भी ताकि गैंगवार हो सकती है यहाँ जमीन को। तो साई की बात कही, हमारे ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, हमारा पूरा सिक्योरिटी नीतीश सरकार ने वापस ले लिया। मैंने गृह मंत्री को लिखा है, मेरी हत्या हो सकती है, इतने गुंडों को ये पाले हुए हैं नीतीश कुमार, क्या बात करते हैं। ये अपराध जितना हो रहा है पूरे बिहार में, नीतीश के संरक्षण में हो रहा है। हम लोगों ने तो पाप किया कि नीतीश कुमार को सत्ता में लाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया कि एक बेहतर बिहार बनेगा, एक क्राइम फ्री बिहार बनेगा, लेकिन यहाँ तो एक एक शहर में जिस तरीके से वर्चस्व चल रहा है, राजनीतिज्ञों का, अपराधियों का शॉर्टकट चल रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस करा है, और किडनैपर इनके घर में रहता है, पूरा बिहार जानता है कि मैं किस स्वभाव का आदमी हूं, अन्याय के खिलाफ घूमता हूं, लड़ता हूं, लेकिन मेरे सारे सिक्योरिटी वापस लिए गए। आशुतोष शाही की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए सरकार जो है ये पूरे इसके लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, और हम तो कहते हैं कि बिहार में जितनी हत्या हो एक अभियुक्त बिहार के मुख्यमंत्री को बनाना चाहिए, और ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं मांग करता हूं गृह मंत्री से कि बिहार बिल्कुल अराजक स्थिति में, इनके संरक्षण में क्या क्या कुकर्म नहीं हो रहा। मैं उन दिनों भी कहा था किसी जाति से इसको संबद्ध करके नहीं देखिए, जितने गलत लोग हैं नीतीश कुमार के चैनल पर,